सो आज हम बात करने वाले हैं ओवरहीटिंग के बारे में, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है अगर आप लोग कैमरे को ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर फोटो खींचते हैं और कुछ टेम्परेचर आपका मोबाइल हीट होने लगता है, सो कुछ इस तरीके से पॉपअप आता है और आप जो भी वर्क करते हैं वो आपका बैक हो जाता है। सो इस वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को कुछ स्टेप के द्वारा समझाऊंगा, वो स्टेप को फॉलो करके ये प्रॉब्लम को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले पहला जो स्टेप है आप लोग सीख लीजिए, आपको जाना है ऊपर आपके जो नोटिफिकेशन पैनल है उस पर आप लोगों का जो भी ऑन है, मतलब कि आपका डाटा ऑन है, लोकेशन ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है, जो सारा कुछ ऑन है उसको ऑफ कर लेना है। और ऑफ करने के बाद जैसे कि डाटा को आप लोग चला सकते हैं लेकिन बाकी अदर लोकेशन वगैरह जीपीएस को ऑफ कर लेना है, पहला स्टेप ये करना है। देन अब आप लोगों को सेकंड जो स्टेप है सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों को टाइप कर लेना है डाटा यूज। जो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे आप लोगों को एक नंबर पर मिल जाएगा डाटा यूज, सो इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कर लोगे अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे एप्लीकेशन में डाटा, मतलब कि बैकग्राउंड में जो बैटरी है वो कंज्यूम करती है। सो ये सारे जो एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हैं रेड 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 रेड, मैंने इसको ऑफ करके रखा हूँ। सो ये एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा है मेरा, इंटरनेट डेटा भी ये नहीं लेगा, देन बैटरी भी ये यूज नहीं करेगा। सो आपको आपका क्या करना है, आपके जो एप्लीकेशन यूज के है उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है। और जैसे कि मैं अगर इनशॉट लेता हूँ, मैं इनशॉट अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे एक आध वीक में एक बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो इसको मैं क्लिक करूँगा, देन आपको क्या करना है नीचे साइड में ये चारों ऑप्शन को ऑफ करके ओके पर क्लिक कर लेना है। सो जो भी आपके फालतू के एप्लीकेशन है जिसको आप लोग डेली यूज नहीं करते, कुछ इस तरीके से सारे एप्लीकेशन को ऑफ कर लेना है। और ऑफ करने के बाद क्या होगा, आपका जो ओवरहीट का प्रॉब्लम है, जो एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में बैटरी रन करती है वो बैटरी कंज्यूम करने से बचाएगी और बैटरी की जो लाइफ है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा बैकअप बढ़ जाएगी। सो ये एक ओवरहीटिंग का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जो एप्लीकेशन यूज करते हैं उसको नहीं करना है, जो आप लोग ज़्यादा यूज नहीं करते वो सारे को आप इस तरीके से ऑफ कर लीजिए। जैसे कि स्नैप ट्यूब है, अब इसको मैं ज़्यादा यूज नहीं करता, इसको भी हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, देन ओके पर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो स्टेप बताया, अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अब आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा आता है वो कैमरे को आप लोग इस तरीके से यूज बिल्कुल भी ना करें, जो हमारा नॉर्मल कैमरा है ये कैमरे को आपको यूज नहीं करना है। आपको प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं ये है ओपन कैमरा, ओपन कैमरा को डाउनलोड कर लेना है। देन डाउनलोड करने के बाद इस कैमरे से आप फोटो खींचिए, वीडियो शूट करिए। ये क्या होता है, ये आपके जो बैटरी का टेम्परेचर है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ये कैमरा। सो इस कैमरा का ज़्यादा यूज करें, इस कैमरे में बहुत कम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ओवरहीटिंग की, मतलब कि आप उसमें आपका जो नॉर्मल कैमरा है उसमें 100% है, इसमें आपको मैक्सिमम 20-30% ही देखने को मिलेगा ये प्रॉब्लम। सो ये तीन स्टेप से आप लोग अपनी जो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, सो आप अपने स्मार्टफोन को एक बार ऑफ कर लीजिए 2 मिनट के लिए, ये बोनस टिप्स है, 2 मिनट के बाद आप अपने स्मार्टफोन को ऑन कर लीजिए, आपका जो है आधा से 1 घंटे तक मोबाइल ओवरहीट नहीं मारेगा। सो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को शेयर कर देना। मैं राहुल जैसल आपसे फिर से एक फ्रेश नए वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।